देश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज चल रही हैं। हर साल 21 जून को भारत समेत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार भी योग को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस दिन दुनिया भर में योग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाता है और लोगों को योग के फायदे बताए जाते हैं। योग कई सदियों से भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। पुरातन काल से ही ऋषि मुनि योग करते आ रहे हैं। भारत की पहल पर योग के महत्व को देखते हुए इसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। इस साल 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इस थीम को आयुष मंत्रालय द्वारा चुना गया है। वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है धरती एक ही परिवार है। इस थीम से तात्पर्य धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता से है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन होता है। सूर्य दक्षिणायन का समय अध्यात्म सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए असरदार है। इस कारण प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। सत्ताईस सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संघ की बैठक में इंटरनेशनल योगा डे मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत साल में किसी भी दिन को योगा दिवस के रूप में मनाने की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। उसके बाद से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाने लगा है। बता दें कि इंटरनेशनल योग डे मनाने का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस दिन योग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, इसके फायदे बताए जाते हैं, जिससे लोग रोजाना योग अभ्यास करने का समय निकाल सकें। योग करने से शरीर फिट और तंदुरुस्त रहता है। नियमित रूप से योग करने से मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे कई बीमारियों को काबू किया जा सकता है। योग करने से बिना दवाई के कई बीमारियों को दूर रखा जा सकता है।